नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस को लगता था कि उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ है। मैंने कांग्रेस की लाइसेंस ही बंद कर दी, इसलिए वो मोदी को गाली देते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि आप पिछले 10 सालों से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको 5 साल के लिए इस काम से ब्रेक ले लेना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर भाजपा पर पलटवार किया। पार्टी ने भाजपा नेताओं के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से भी की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान को लेकर और कई अन्य मुद्दे पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण रात्रि 9:12 पर लगेगा और इसका समापन रात्रि 2:22 पर होगा। हालांकि इसका असर भारत में नहीं देखने को मिलेगा। यह ग्रहण अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, मैक्सिको और आयरलैंड में नजर आएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गाजा युद्ध में जीत से बस एक कदम दूर है। उन्होंने कसम खाई कि जब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर देता, तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। हमास द्वारा इसराइल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के 6 महीने होने पर एक कैबिनेट बैठक में पीएम नेतन्याहू ने ये बात कही। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ईरान पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसराइल के खिलाफ कई हमले के पीछे होने का आरोप भी लगाया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी यूट्यूबर ए दुरई मुर्गन को आज राहत मिली, जहां न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने यूट्यूबर सत्ताई की जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से ओका जेई ने कहा कि अगर चुनाव से पहले हम YouTube पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को जेल में डालना शुरू करेंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों को जेल में डालना पड़ेगा। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी, जहां कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के मुताबिक अपराध नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में गरजे मायावती के भतीजे आकाश आनंद, सपा और कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले नेता है, एक बार साइकिल का चक्कर लगाकर वो सत्ता में पहुंच गए, एक बार टोपी पहनी और फिर लोगों को टोपी पहना दी। जिन मुसलमानों ने इन्हें एक तरफा वोट दिया, ये उनके लिए लड़ नहीं सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पकड़े हैं। अब इस तस्वीर की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, जहां विपक्षी नेताओं ने इसे बिहार का अपमान बताया। वही लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा कि ये हमारे संस्कार है। वही उन्होंने यह कहा कि अब ये देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। आप विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ की। इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें समन भेजा था और सोमवार को हाजिर होने को कहा था। अब इस मामले पर मंत्री आतिश सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की एक साजिश है, ताकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोका जा सके। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिरोमणि अकाली दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो जिन उम्मीदवारों को जिस सीट से चुनाव लड़ाना है, उस पर सहमति बन गई है। अब इसका 3-4 दिनों में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बढ़ी सख्ती। अब तक 14 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और नकदी की गई जब्त। 13 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के चुनाव प्रचार को देंगी धार, साथ ही करेंगी कई जनसभाएं।
झारखंड के जमशेदपुर से विधायक सरयू राय के खिलाफ धनबाद के प्रत्याशी और विधायक ढुल्लू महतो ने कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस का जवाब देने के बजाय सरयू राय ने नोटिस को कूड़े में फेंक दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा क्षेत्र के सिवनी जिले में आगामी लोकसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया और कहा कि नई सरकार SC/ST और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के खाते में सालाना 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत अपनी बयानबाजी से जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ये सब बेमतलब है। यहाँ बात विकास और जनहित की होगी। इसके साथ ही विक्रमादित्य ने दावा किया कि किसी भी सूरत में मंडी सीट से कंगना रनौत नहीं जीत सकती। केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद उनकी पार्टी सबसे बड़ा निशाना बन गई। उनके नेता को पार्टी से अलग होने के लिए या तो लालच दिया गया या फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार सत्ता में लौटे तो विपक्षी दल के सारे नेताओं को जेल भेज दिया जाएगा। 4 जून के बाद भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ कार्रवाई करने के मोदी के वादे का मतलब है कि विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद जेल में डाला जाएगा। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने कहा कि अब पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर गुजरात के 2 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल दोनों यात्री एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेकिंग करते वक्त परमाणु बम अपने साथ ले जाने की बात कह रहे थे। राजस्थान के हाईवे पर आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उतारे गए, जहां सांचोर बाड़मेर जिले से सटे अगड़वा से गुजर रहे इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी आपातकालीन लैंडिंग फील्ड पर सबसे पहले लड़ाकू विमान तेजस को टच एंड गो किया गया। इसके बाद तेजस हाईवे पर उतरा। हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों को उतारने के अभ्यास के दौरान राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सहजन की सब्जी गर्मियों में मिलने वाली बहुत ही फायदेमंद सब्जी मानी जाती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम के साथ साथ और भी कई तरह के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप इस मौसम में सहजन का सेवन जरूर करें। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके माध्यम से कुल 1377 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट navoday.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट। We'll be right back.